अच्छा जी, तो इधर हमने टैक्स ऐड करना था, उसके लिए हमें लिखना था यहाँ पे सुपर फास्ट डिलीवरी। ठीक है, मैंने टैक्स पे क्लिक किया और ये मैंने लिख दिया सुपर फास्ट डिलीवरी, और इसको थोड़ा सा टैक्स का साइज़ अब हमें बड़ा कर लेना है, क्योंकि फाइल साइज़ हमारा बहुत बड़ा था, इस वजह से यहाँ पे जो साइज़ था इसका वो कम था, इस वजह से विजिबल नहीं हो रहा था। ठीक है, तो थोड़ा सा मज़ीद छोटा कर लेते हैं इसको यहाँ। ठीक है, इसके बाद अब हमें फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेना। हमने जो अभी यूज़ किया था यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल वो था फास्ट वन, ये था फास्ट वन, हाँ ये आ गया। और दूसरा हमने इंस्टॉल किया था फॉन्ट अभी ब्रीज, आई थिंक ऐसा कुछ था। इसको ज़रा मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और दोनों को फिर हम कंपेयर कर लेंगे जो अच्छा लगेगा। ये ठीक है जी, दो फॉन्ट्स हो गए। साइज़ दोनों का थोड़ा छोटा कर लेते हैं, चलेंगे। आई थिंक सेकंड वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, इसको हाइड करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका फॉन्ट स्टाइल थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा, सॉरी साइज़ थोड़ा सा गैप। कलर ब्लू करके देख लेते हैं, ब्लू रहने देते हैं फिलहाल, और इसको सेंट्रल लाइन कर लेते हैं। ये बैकग्राउंड लेयर मैंने सेलेक्ट कर लिया, मूव टू लेंगे और ये इस तरह से सेंट्रल लाइन हो जाएगा। ठीक है, और ये हम सिंपल फॉन्ट में भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने खुद ही ये वाला फॉन्ट यूज़ किया है तो थोड़ा सा अच्छा लगे। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और इसी को मैं डुप्लीकेट करके यहाँ नीचे ले आता हूँ, और इधर हम लिख लेते हैं ये गया, और इसका फॉन्ट साइज मुझे सिंपल कर देना है। लोगो नहीं लगाते, लोगो लगाएंगे तो वो ग्रीन है, तो फिर हमें उसको ब्लू करना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने यही टेक्स्ट ही यहाँ पे जस्ट ऐड कर दिया, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है टेक्स्ट के साइज को, थोड़ा सा इसको भी छोटा कर लेते हैं अबाउट फाइव, ये कितना था, ये 85 कर लेते हैं। अलाइनमेंट हो गया लाइन, एक्सक्लूसिवली के स्पेलिंग मैंने ठीक लिखे हैं। सेव करना है इसको हमें, अभी एक और चीज़ मैं यहाँ पे डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, आइकन कौन ये देखें, ये मैंने सर्च किया यहाँ पे 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी PNG। ठीक है, यहाँ से कोई हम लोग लेंगे ट्रांसपेरेंट,
मुझे इस तरह का कुछ फ्लैट चाहिए जिसका कलर भी मिल अच्छी थी, ये वाला ठीक है। हाँ इसको लेते हैं, टैब ओपन करता हूँ। अच्छा यहाँ से वैसे भी इसको कॉपी पेस्ट करके और यहाँ पे आके पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन पेस्ट किया तो ये आ गया, लेकिन इसका तो क्वालिटी सही नहीं आती। तो ये जो मैंने सेव किया ना, मैं इसी को यहाँ पे देखता, ये देखिए अब ये बड़ी क्वालिटी में आ गया, ठीक है। अच्छा इसको ज़रा न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से एडिट कर सकें। यहाँ पे इसका वाइट कलर हमें ख़त्म करना है, तो कंट्रोल जे करो मैं इसको, और ये वैसे इसको यार मैं बाद में चेक करता हूँ जरा। अच्छा जी सेलेक्ट, कोई सेलेक्ट कलर रेंज, और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ वाइट, ओके करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे और इसको मैं मास्क कर देता हूँ, तो इसका बैकग्राउंड चला गया यहाँ से। अब इसको हम मूव करवा रहे हैं इधर हमारे पोस्टर डिजाइन पे, और थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, हाँ प्लेस करेंगे इसको। अच्छा यहाँ पे रखते हैं, ठीक है जी, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और ये जो फॉन्ट है इसको थोड़ा सा मैं मूव करवा देता हूँ, ठीक है। अब इसका कलर हम या तो ब्लू कर लेते हैं या ऑरेंज करके देखते हैं, जो अच्छा लगेगा वो कलर, पहले ऑरेंज करके देख लेते हैं, कलर ओवरले लगाते हैं इस पे, और ये वाला नहीं, ये ब्लू ही अच्छा लगेगा, तो इसको ब्लू ही करते हैं, ये ब्लू हो गया। अब मेरा ख्याल है ये ठीक है, बैकग्राउंड प्लेन वाइट इसका अच्छा लग रहा है, अगर चेंज भी करना हो तो एक न्यू लेयर यहाँ पे ऐड करके देख लेते हैं हम, ये ग्रेडियंट, और ये फिलहाल कोई भी ले लेते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे उसको। इसका कलर चेंज करते हैं अबाउट ग्रे, ये वाला, और इसको मैं कर रहा हूँ वाइट, बिल्कुल वाइट, ठीक है, और सेव कर देते हैं यहाँ से। ओके इसका स्टाइल हम करते हैं रेडियल, और इसको मैं रिवर्स कर देती थोड़ा सा मजीद लाइट कर लेते जी। अब मेरा ख्याल है वाइट प्लेन ही अच्छा लग रहा है ज़्यादा, देखिए इस तरह से, बस हमें ज़रूरत ही नहीं है इसमें कुछ और ऐड करने की, एक चीज़ है वैसे जो अगर हम करना चाहें तो, इधर मैं एक न्यू लेयर ऐड करता हूँ और इस पे मार्क टूल से इस तरह एक शेप ड्रॉ करते हैं, और इसमें हमको कलर फिल कर लेते हैं लाइक दिस, ये इस तरह कर सकते हैं इसको। यहाँ पे आ जाएगा इस पे थोड़ा सा मैं नॉइज ऐड करके
चलो ये भी सेव कर लेते हैं, एक ही अच्छा लग रहा है, और एक ही तरह से सेव कर लेंगे प्लेन को, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ V2, पहले V1 सेव करते हैं। उसके बाद इसको मैं हाइड करता हूँ यहाँ से, और इसको सेव करवा लेते हैं V2। ये जो चलो भी हो गया, बस और इसमें कुछ भी नहीं है। चलो एक चीज और, मेरा ख्याल है अगर हम टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करें, लाइक मैं अगर इसको डुप्लीकेट कर लूँ और इधर हम लिखें जस्ट इन 3 आवर्स, और इसको मैं रोटेट करवा लेता हूँ 90 डिग्री पे, और यहाँ लगा लेते हैं, इधर लगा लेते हैं, इधर ही सही है। इसको लाइट कर देना बिल्कुल, थोड़ा सा छोटा, और इसका स्पेस ही नहीं होता। चलें ये इस तरह भी ठीक है, हमने सुपर फास्ट डिलीवरी तो लिख दिया, लेकिन साथ अगर हम ये भी लिख रहे हैं कि जस्ट 3 आवर्स, तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ये मैंने इसको PSD को सेव कर दिया। तो अब हम इसको यूज़ करेंगे हमारे कवर पे, जो हमारे गीत का कवर है उसको मैं बंद कर देता हूँ, इसे बंद करते हैं, या इसको ट्रांसपेरेंट में सेव कर लेता हूँ, ये बाद में हमारे काम आ सकता है। चलो ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट मैंने इसको सेव कर लिया, इसको बंद करते हैं, और इसको भी बंद करते हैं, इसको भी करते हैं। चलो अभी हम चलते हैं हमारी फाइवर वाली प्रोफाइल पे, ये हमारी आगे पर फाइव वाली प्रोफाइल, और इस पर एक नोटिफिकेशन भी आ रहा है, फॉलो दीज बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर यूज, चाहिए मेरी चाहिए इसको बंद कर, ठीक है। हम आ जाते हैं यहाँ से प्रोफाइल पे, और नोटिफिकेशन ये हमारे बीज आ गई कल वाली, मुझे इसको भी थोड़ा सा ऐड करना, ये लोगो जब हमने लगाया था तब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ये वाला, ये जो आइकन हमने यूज़ किया था, तो इसको भी हम थोड़ा सा कुछ और ट्राई करेंगे यहाँ पे भी, ताकि अच्छा लगे। उस टाइम पे टाइम थोड़ा था तो मैंने जल्दी से इसको बना के लगा दिया था, एक हमारा ये वाला हमने लगाया था कलर, और चले इसको अब हम एडिट करते हैं। ये देखें एडिट, जैसे मैंने गिग ओपन की तो यहाँ पे मुझे एडिट गिग का बटन नज़र आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ से हम डायरेक्ट चले जाते हैं गैलरी पे, और गैलरी में जाएंगे, मैं इस वाले पोस्टर को पहले यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, और यहाँ पे क्लिक करते हैं, बल्कि इसको भी डिलीट कर देते हैं। पहले वाला हम ये वाला लगाते हैं यहाँ पे, ये आएगा नहीं, फाइल साइज बहुत बड़ा है तो इसको रिसाइज करना पड़ेगा पहले। पेंट ओपन करते हैं, ये फाइल हमारी पेंट में ओपन करेंगे, ये आ गया रिसाइज बटन, पिक्सल, और इसको मैं कर देता हूँ 2000, ओके करेंगे तो ये रिसाइज हो जाएगी। अब मैं इसको यहाँ से सेव एज करता हूँ, वर्जन 1 रिसाइज डिलीटेड कर, ठीक हो गया। और अभी हम यहाँ पे इसको रिप्लेस करते हैं,
ये आ गया रिसर्च, करें ये अपलोड हो गई। अभी सेकंड वाला ये भी मैंने रिसाइज वाला सेव किया था, किधर हो गया, ये हो गया। और थर्ड पे अभी हम कौन सा वाला लगाएंगे, एक अभी भी रहेंगे यार। यहाँ वैसे हमने वो जो ट्रैवल वाला पहले लगाया था वही लगा देते हैं, वो शायद यहाँ पड़े। हाँ देखें इसका अभी भी वही लिखा हुआ है। चलिए ये भी अपलोड हो गया, ठीक है। इसे भी हम इंशाल्लाह कभी बाद में एडिट करेंगे और दूसरा कोई और पोस्टर अच्छा सा बना के लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ, ये हो गया सेव। एंड प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करते हैं, इसको बंद करते हैं। अभी हमारी गिफ जो है वो सेव हो गई है। अभी जो न्यू कवर हमने लगाया वो यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे, तो देखिए ये आ गया और ये आ गया। अच्छा यहाँ पे मैंने एक चीज़ फील किया अभी अभी, ये नहीं अच्छा लग रहा है। नहीं इसको भी वाइट करते हैं, ये ब्लू अच्छा नहीं लग रहा है। और इसको भी वाइट, डार्क मैंने यार इसको वैसे लगाया हुआ है, ब्लर उसको नॉइज ऐड किया हुआ थोड़ा सा, तो इसी हो सकता है डार्क। बस ठीक है, जैसे अगर ये शेप लगाई थी तो इधर इनका शेडो भी बनाना चाहिए था, हमें वो हमने नहीं बनाया। खैर बस ठीक है यार, अभी इसको बाद में करेंगे। मैं इसको सेव कर देता हूँ यहाँ तक, और अभी 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 तक यहाँ यहाँ तक ठीक है अभी के लिए। अच्छा ये हो गया, तीन पोस्टर हमने लगा दिए। अब आ जाते हैं बायर कास्ट पे, देखते हैं अगर कोई बायर कास्ट हो रही है, कोई भी बायर कास्ट अभी शो नहीं हो रही। तो फाइल यार बना लें अपनी लाजमी जल्दी से सारे बच्चे, और फिर यहाँ पे आया करें, वायर कास्ट चेक किया करें। अगर शो हो रही हो तो वो आपने सेंड करनी है, मैं देखता हूँ। अगर अब यहाँ पे किसी टाइम पे वायर कास्ट शो होती है ना, तो वो मैं क्लास में आप लोगों को प्रपोजल भी सेंड करके दिखाऊंगा कि किस तरह से किस प्रोजेक्ट पे आपने बिड करना है, ठीक है। यहाँ पे अभी ना क्योंकि हमने जस्ट एक गिग बनाई है, तो मुझे यहाँ पे अगर मैं यहाँ कैटेगरीज पे जाऊँ तो हम इसको फिल्टर कर सकते हैं कि मुझे
किस कैटेगरी के प्रोजेक्ट पे बिड करना है अभी, क्योंकि मैंने जस्ट पोस्टर डिजाइन देखे यहाँ पे ऐड किया, तो मुझे यहाँ पोस्टर डिजाइन ही शो करवा रहा है। पोस्टर डिजाइन से रिलेटेड ही प्रोजेक्ट्स अभी भी शो होंगे। जैसे ही हम लोग फोटोशॉप एडिटिंग की भी कोई विग बना लेंगे, तो वो फिर हमें फोटोशॉप एडिटिंग की कैटेगरी भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इस तरह अगर हम बिजनेस कार्ड ऐड करेंगे तो बिजनेस कार्ड भी यहाँ पे आ जाएगा, तो सारी कैटेगरी यहाँ पे आती जाएंगी। और फिर अगर हमें किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के प्रोजेक्ट पे बिड करना है, तो हम यहाँ से जाके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने भी यहाँ पोस्टर डिजाइन सेलेक्ट किया, अगर यहाँ पे कोई इस वक्त बायर का शो हो रही होती तो वो यहाँ पे नजर आ जानी। ठीक है, तो क्या ख्याल है, अब यहाँ रुकते हैं, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर आपके क्वेश्चन है तो मुझे बता दें जल्दी से, के बाद फिर ब्रेक करते हैं।